हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं पांच ऐसी मिस्टेक्स जो हम अपने प्लाजो पैंट्स के साथ कर देते हैं। अगर आप प्लाजो पहनते हैं, पहनते ही होंगे ऑब्वियसली, यार प्लाजो कौन नहीं पहनता। कुर्तीज़ के साथ, टॉप्स के साथ, शर्ट्स के साथ, हम जहाँ मन करता है हम प्लाजोस पहनते हैं क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होते हैं। समर्स में तो बड़ा ही अच्छा लगता है प्लाजोस पहनना, काफ़ी हवादार खुले खुले लगते हैं, तो हम सभी प्लाजोस पहनते हैं। बट कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम लड़कियां कर देती हैं। क्या है ये मिस्टेक्स और कैसे इनको करेक्ट करना है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं अपने प्लाजो पैंट्स के साथ वो है कि सही कुर्ती हम उसके साथ स्टाइल नहीं करते। तो प्लाजो पैंट्स के साथ बेस्ट लगती हैं थोड़ी सी लॉन्ग में कुर्ती, मतलब कम से कम इतनी हो जो नीज से नीचे जाएं, अपने काफ लेंथ तक की कुर्ती होनी चाहिए मिनिमम। उससे नीचे भी होगी तो भी चलेगा, बट उससे ऊंची नहीं होनी चाहिए, नीज लेंथ तक की, या फिर उससे शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें जो लुक है ना वो काफ़ी ख़राब आता है। बिल्कुल हाफ एंड हाफ यू नो स्टाइल में हमारी बॉडी कट हो जाती है जिसकी वजह से हमारी हाइट भी कम लगती है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, एंड उसकी वजह से ना हमारी हाइट भी थोड़ी सी शॉर्ट लगती है। तो प्लाजो पैंट्स के साथ हमेशा थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती स्टाइल कीजिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कुर्तीज़ को मत पहनिए, थोड़ी सी लॉन्ग में कुर्ती पहनिए, वो ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं एंड लुक बहुत कंप्लीट दिखता है। ओवरऑल जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बैलेंस दिखता है एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर के आती है, हाइट भी अच्छी लगती है, बॉडी भी स्लिम लगती है। सो ये गलती मत करना, शॉर्ट कुर्तीज़ को कभी भी स्टाइल मत करना प्लाजो पैंट्स के साथ। ठीक है, घर में कभी कभी पहन लिया, बट फॉर स्पेशल ओकेजन जैसे आप बाहर जा रहे हो पार्टी वगैरह में, तो हमेशा अपनी प्लाजो पैंट्स के साथ थोड़ी सी लॉन्ग में कुर्ती पहनिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी पहन सकते हैं, थोड़ी सी मीडियम लेंथ की भी पहन सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट कुर्तीज़ बिल्कुल भी मत पहनना। नेक्स्ट मिस्टेक है, हम अपने प्लाजो पैंट्स को पहनते हैं टी शर्ट के साथ, शर्ट के साथ, टॉप्स के साथ, है ना। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, पहन सकते हैं हम अपने प्लाजो पैंट्स को किसी भी टॉप्स के साथ, टी शर्ट के साथ। बट जो मिस्टेक हम कर देते हैं ना वो ये है कि हम किसी भी टॉप के साथ प्लाजो पैंट्स को पहन लेते हैं। एक तो जो टॉप है ना वो लूज़ लूज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फिटेड होना चाहिए, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। लूज़ लूज़ टॉप अगर आपने लूज़ लूज़ प्लाजो पैंट्स के साथ पहन लिए तो बहुत ही बल्की सा लुक आएगा एंड उसमें आपका जो ओवरऑल फिगर है उतना इन्हांस लुक आपको नहीं मिलेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। बट अगर आप थोड़े से फिटेड टॉप्स पहनेंगे प्लाजो पैंट्स के साथ तो वो ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, थोड़े से लूज लूज भी चलेंगे, बट बहुत ज़्यादा लूज लूज मत पहनिए। ऑल्सो जो टॉप्स हैं उनको थोड़ा सा टक करके पहनिए। अगर आप क्रॉप टॉप पहन रहे हैं दैट इज़ ओके, बट अगर थोड़े से लॉन्ग में हैं अगर आपके टॉप्स तो उनको बाहर निकाल के मत पहनिए अपने प्लाजो पैंट्स के साथ, वो बहुत ख़राब लुक देंगे आपको। अगेन आपकी बॉडी हाफ एंड हाफ प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी और आपका जो ओवरऑल लुक है वो यू नो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिखेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बल्की लगेगा, उसमें आप उतने पतले नहीं लगेंगे। सो कोशिश कीजिए कि जो टॉप्स आप पहन रहे हैं या तो आप क्रॉप टॉप्स पहनो या फिर उनको टक करके पहनो, बहुत ही लूज फिटेड वाले टॉप्स मत पहनो। टी शर्ट अगर आप पहन रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो टी शर्ट को भी बाहर निकाल के मत पहनो अपने प्लाजो पैंट्स के साथ, उनको भी आप थोड़ा सा टक कर लो, फ्रंट से हल्का सा टक कर लो या फिर पूरा टक कर लो, एंड बहुत ज़्यादा लूज टी शर्ट मत पहनो। शर्ट्स पहन रहे हो तो भी आप उसको बाहर निकाल के मत पहनो, अंदर टक करके पहनो, वो ज़्यादा स्मार्ट लगेगी, ज़्यादा अच्छा आपका बॉडी फ्रेम लगेगा क्योंकि प्लाजो पैंट्स की वजह से ना जब आप टक करके पहनोगे टॉप्स तो प्लाजो पैंट से आपकी लेग्स हैं वो लंबी दिखेंगी थोड़ी सी एंड आपको एक हाइट का इल्यूजन मिलेगा। सो ओवरऑल आपका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी स्मार्ट दिखेगा, उसमें काफ़ी बैलेंस दिखेगा। सो कोशिश कीजिए हमेशा अपने टॉप्स को, टी शर्ट्स को, शर्ट्स को थोड़ा सा फिटेड रखने की, बहुत ज़्यादा लूज लूज मत रखिए एंड उनको बाहर निकाल के मत पहनिए, टक करके पहनिए। अदरवाइज आप क्रॉप टॉप्स पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, प्लाजो पैंट की जहाँ पर लेंथ मतलब जहाँ पर आ रही है वेस्ट पे वहाँ तक के क्रॉप टॉप्स आप पहन लो थोड़े से फिटेड, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। थोड़े से लॉन्ग में है अगर आपके टॉप्स या फिर टी शर्ट तो उनको आप टक करके पहनो सिंपली, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक, टक करके पहना अब हमने टॉप को या फिर किसी भी टी शर्ट या फिर शर्ट को। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लाजो पैंट्स होते हैं जिसमें ना ऐसे इलास्टिक होती है पूरी, तो इलास्टिक दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे प्लाजो पैंट्स पहनो जिसमें बेल्ट की फिनिशिंग हो, है ना, फ्रंट में ऐसे बेल्ट की फिनिशिंग हो, पीछे इलास्टिक होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फ्रंट में ऐसे फिनिशिंग होनी चाहिए तो वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। ऐसे अगर आगे इलास्टिक दिखेगी तो वो आपके लुक को ख़राब दिखा सकते हैं। अगर आपके प्लाजो पैंट्स में ऐसे इलास्टिक है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप उसके ऊपर से कोई बेल्ट को स्टाइल कर सकते हैं, है ना। अगर पूरे में ऐसे इलास्टिक है तो ऊपर से आप एक बेल्ट को स्टाइल कर लो तो भी आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, स्मार्ट
दिखेगा, बेटर दिखेगा पहले से. सो ये भी एक मिस्टेक है जो हम बहुत कॉमनली कर देते हैं. सो इसको भी आप बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हैं एक बेल्ट को ऐड करके. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगी इस मामा अर्थ के कर्ड स्मूदनिंग रेंज के बारे में. दिस इज मामा अर्थ कर्ड स्मूदनिंग शैम्पू विद कर्ड एंड केरेटिन, एंड इसके साथ है ये कंडीशनर. सो अगर आपके बाल काफ़ी ड्राई हैं, रफ हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, मैनेजेबल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा यू नो उलझते हैं, तो आप इस रेंज को ज़रूर ट्राई करना. इसमें है कर्ड जो हमारे बालों को बहुत स्मूथ कर देता है, सिल्की सॉफ्ट बना देता है. एंड कर्ड वी ऑल नो कितनी अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, कितने सॉफ्ट हो जाते हैं बाल. सो इसमें कर्ड है, केरेटिन है जो हमारे बालों के केरेटिन को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है, एंड बालों को बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, एंड प्लस हमारे बालों को बहुत ही सिल्की स्मूथ इफेक्ट देता है. आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे ना कि ऐसा लगेगा कि आप बाहर से कोई केरेटिन ट्रीटमेंट करा के आए हैं. यस, अब आप घर में ही खुद से अपना केरेटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं विद दिस रेंज. ज़रूर ट्राई करना. एंड वी ऑल नो मामा अर्थ एक अपना इंडियन जाना माना देसी ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, एंड इसके सभी प्रोडक्ट्स काफ़ी सेफ हैं यूज़ करने के लिए. कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है, सभी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी नेचुरल हैं. सो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए, एक बार ज़रूर ट्राई करना. ऑल्सो अभी तो ये हर जगह अवेलेबल है, आप इसको ऑफलाइन खरीद सकते हैं किसी भी अपने नज़दीकी स्टोर से. ऑनलाइन लेने के लिए आप mamaearth.in या फिर मामा अर्थ की ऐप से आप इसको खरीद सकते हैं. ऑल्सो आप मेरा वहाँ पर कूपन कोड यूज़ कर लेना achil2023 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ. बाकी आपको ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल पे भी मिल जाएगा. सभी के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पर चेक कर लेना. नेक्स्ट मिस्टेक है कि हम जो प्लाजो पैंट्स पहनते हैं, स्पेशली विद कुर्तीज, कुर्तीज के साथ थोड़े से क्रॉप्ड स्टाइल में आप प्लाजो पैंट्स को रखिए, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं. स्ट्रेट फिट में जो हम प्लाजो पैंट्स पहनते हैं, फ्लैट स्टाइल में भी पहनते हैं, तो थोड़े से क्रॉप्ड रखिए. बहुत ज़्यादा लॉन्ग में अगर आप रखेंगे, स्पेशली जो आपके यू नो शूज़ को भी कवर करते हुए पूरा फ्लोर लेंथ तक अगर जा रहे हैं, तो वो वाले प्लाजो को आप थोड़ा सा स्किप कीजिए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, एंड थोड़ा सा क्रॉप्ड स्टाइल में पहनिए. बहुत ज़्यादा अगर क्रॉप्ड भी नहीं है तो इतना होना चाहिए कि आपके हील्स उसमें से नजर आए, आपके शूज़ उसमें से नजर आए. बिल्कुल फ्लोर लेंथ तक के नहीं होने चाहिए प्लाजो पैंट्स, थोड़ा सा ऊपर रखिए, या तो क्रॉप स्टाइल में, या फिर थोड़ा सा इतना कि आपके शूज़ नजर आए एटलीस्ट. तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत कॉमनली हम कर देते हैं. जो प्लाजो की लेंथ है उसको हम ध्यान नहीं देते, एंड वो बिल्कुल फ्लोर से लग के जब प्लाजोज हम पहनते हैं ना, तो वो बहुत अजीब सा लुक देता है, बहुत ही बल्की सा लुक आता है अगेन. सो ये वाली मिस्टेक भी हम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं. थोड़े से शॉर्ट में आप प्लाजोज को स्टाइल कीजिए, क्रॉप स्टाइल में बहुत स्मार्ट लगते हैं आप, वो पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कुर्तीज के साथ. फुटवेयर, नाउ प्लाजोज के साथ ना हमेशा ऐसे फुटवेयर पहनिए जो थोड़े से हील्स इसमें हों, या तो आप फ्लैट्स भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्नीकर्स भी पहन सकते हो, इनफैक्ट आप हील्स पहनो, लेकिन इस तरह के जो बल्की शूज़ होते हैं ना, जिसमें ऐसे वेजेस वाले शूज़, स्पेशली वेजेस हील जो होती हैं, इनको आप अवॉइड करना. मतलब जो इस तरह के जो हील्स होते हैं ना, ये बहुत ही बल्की लुक देते हैं अगेन. सो ये प्लाजो पैंट्स के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, आप सिंपली इनको अवॉइड करो. नॉर्मल हील वाले आप हील्स पहनिए, नॉर्मल हील वाले आप सैंडल्स पहनिए, ब्लॉक हील्स आप पहन सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पेंसिल हील में, तो आप ब्लॉक हील्स पहनिए, पेंसिल हील भी अच्छी लगेगी. हल्का सा एलिवेशन ज़रूर रखिए, हल्की सी हील अगर होगी तो ज़्यादा अच्छा स्मार्ट लुक मिलेगा. वैसे आप फ्लैट्स भी पहन सकते हो, इनफैक्ट आप स्नीकर्स वगैरह भी पहन सकते हो अगर आप वेस्टर्न तरीके से स्टाइल कर रहे हैं प्लाजो पैंट्स को, शर्ट्स या टॉप्स के साथ स्टाइल कर रहे हैं, टी शर्ट के साथ स्टाइल कर रहे हैं, तो आप स्नीकर्स भी पहन सकते हैं. बट इस तरह के वेजेस जो होते हैं, इन ये वाली जो हील्स हैं, इनको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए. आप नॉर्मल हील पहन सकते हैं, ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं, या फिर पेंसिल हील भी आप पहन सकते हैं, किटन हील्स आप पहन सकते हैं, दूसरी टाइप की आप हील्स पहनिए. बट वेजेस को या फिर किसी भी और बल्की हील जिसमें होती है पूरा ऐसे बहुत हैवी हील नीचे से होती है, इस तरह की हील्स को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए. ओके गाइस, सो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक जिनको हम बहुत आसानी से करेक्ट कर सकते हैं. लेट मी नो अगर आपने इनमें से कोई मिस्टेक की है, कर रहे हैं, या फिर कोई आपका कोई सजेशन है कि किस तरह से मैं प्लाजो को स्टाइल करना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस. एंड अगर अच्छी लगी है वीडियो, इस तरह की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, तो
थम्स अप जरूर देना, लाइक जरूर करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो ना, बहुत सारे लाइक्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस बनाती हूँ। सो लाइक तो ज़रूर करना एंड हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या अच्छी लगी है ये वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रंक, काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ आजकल मैं वहाँ पर, एंड उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। And yeah, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. Milti hun jaldi hi ab aapko apni next video mein. Keep smiling and take care. Bye. Cause I can fly.